चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम सिलेक्टेड काम की और 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। मगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद अब भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसको लेकर कल मैराथन मीटिंग का आयोजन हुआ। इस मीटिंग में भाजपा के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी थे। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सी वोटर एबीपी न्यूज के लिए अपना पहला ओपिनियन पोल किया है, जिसमें राहुल गांधी के कामकाज को लेकर बेहद ही चौंकाने वाली नतीजे सामने आए हैं। इस सर्वे में 5 लाख लोगों की राय शामिल है। इस सर्वे में शामिल लोगों में सबसे ज्यादा 39% ने असंतुष्ट कहा है, वहीं सिर्फ 26% ने ही बहुत ही संतुष्ट कहा है। इसके अलावा कम संतुष्ट रहने वाले लोगों का आंकड़ा 21% है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि 14% ऐसे लोग हैं जिनको राहुल गांधी के बारे में पता ही नहीं है। ईरान के पक्ष में खुलकर आया भारत, रूस और चीन के साथ मिलकर किया संयुक्त राष्ट्र में मतदान। सूरत पुलिस और एक हत्यारे के बीच 14 साल से आंख मचौली खेल चल रहा था। डबल मर्डर केस में आरोपी 2009 से फरार था। आरोपी लगातार लोकेशन बदल रहा था। 14 साल में उसकी पूरी हुलिया बदल चुकी थी। सूरत पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब रही, अभी वो जेल में है। दिल्ली में कल कोरोना से संक्रमित 5 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामले की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। कोरोना संक्रमित मिले 5 नए मरीज में से अधिकतर को हल्के और मध्यम श्रेणी के लक्षण है। इनमें 3 मरीज ऐसे थे जो किसी अन्य बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल आए थे, मगर जांच करने में उनको पता चला कि कोरोना है। डॉक्टरों का कहना है कि लोगों को भीड़ वाली जगहों पर जाते समय मास्क पहनना जरूरी है। पहले से बीमार लोगों को अधिक सावधान रहने की भी जरूरी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले सरकार आगे होती थी और समाज पीछे होता था, लेकिन अब सरकार पीछे खड़ी है और समाज आगे है, क्योंकि हमारी सरकार बोलती कम है और करती ज्यादा है। 9.5 वर्ष में किसानों के जीवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में व्यापार का परिवर्तन बहुत ही ज्यादा हुआ है। टॉयलेट साफ करते हैं बिहारी दयानिधि मारन के विवादित बयान पर लालू प्रसाद यादव के बेटा तेजस्वी यादव ने कहा है कि ऐसे बयानों से नेताओं को बचना चाहिए। बिहार यूपी के मजदूरों की मांग कई राज्यों में होती है। दूसरे राज्यों में बिहार और यूपी के मजदूर नहीं जाए तो उनकी जिंदगी ठप हो जाएगी। और इस दिन अवैसी बेवाकी बातों से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। वो करेंट मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, वो मुसलमानों के मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। हैदराबाद के सांसद औसुद्दीन अवैसी सेना के तरफ से 3 नागरिकों को कथित तौर से टच किए जाने पर रिएक्शन दे रहे थे। कल देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने अटल जी के समाधि स्थल पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। सपा के ब्राह्मण सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का मुद्दा उठा। ब्राह्मण नेताओं ने स्वामी का नाम लिए बिना जब उनके बयानों की शिकायत की तो अखिलेश यादव ने भी इस तरह की चीजों पर अंकुश लगाने का आश्वासन दिया। तबातोड़ आतंकी घटनाओं से दहलती घाटी, कमान संभालने जम्मू कश्मीर पहुंचे सेना प्रमुख मनोज पांडे। आजमगढ़ वाराणसी रेल मार्ग का फाइनली लोकेशन सर्वे पूरा हो गया है। यह रेल मार्ग आजमगढ़ से आगे गोरखपुर नेटवर्क से जोड़ेगा। इंजीनियरों ने इसके लिए 89 किलोमीटर की नई रेल लाइन बिछाने का दावा किया है। इस रेल मार्ग को बन जाने से वाराणसी से आजमगढ़ की ट्रेन की दूरी 95 किलोमीटर होगी। प्रति यात्री का किराया लगभग 65 रुपया होगा। थाना और गांव बाबूगढ़ में कल शाम दोस्तों के शर्त लगाने के बाद एक व्यक्ति ने अत्यधिक शराब पी ली, जिसके बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई। सज्जन के घर वाले ने गांव के ही कुछ व्यक्तियों पर मृतक को ज्यादा शराब पिलाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मामले में तहरीर नहीं दी गई है। 56 साल के अरबाज खान दूसरी बार बने दूल्हा। 15 साल छोटी सूरा से किया निकाह। खान परिवार में जश्न का माहौल। 10 करोड़ रुपए कीमत वाले घोलू 2 भैंसों को देखने के लिए पटना के कई डेयरियों और काफी भीड़ उमड़ आई थी। साथ ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी घोलू को देखने पहुंचे थे। घोलू 30,000 से ज्यादा बच्चे का पिता है। दिल्ली में प्रदूषण का लेवल एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस समय पराली नहीं जल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हवा में गुणवत्ता काफी खराब है। इस पर एक्शन लेते हुए CAQM द्वारा NCR क्षेत्र में ग्रेप का 3रा चरण लागू होने जा रहा है, जिससे डीजल और पेट्रोल जैसी कारों को चलने पर रोक लगाई जाएगी। झाझालाल स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 5 से 7 जनवरी तक महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और देश भर से पुलिस अधिकारी आएंगे। इस दौरान 3 से 4 दिन तक शहर के कुछ मार्गों पर VIP मूवमेंट का अतिरिक्त किया जाएगा। अजान दे रहे पूर्व SSP ने जैसे कहा रहम, आतंकवादियों ने गोलियों से भून डाला। कैराना हरकत पर उबल रहा कश्मीर। 1 जनवरी को दक्षिण भारत में बारिश होने वाली है। पूर्व अनुमान में कहा गया उत्तर पूर्वी हवा
हवाओं के असर के चलते तमिलनाडु और दिल्ली जैसी जगहों पर बारिश होने की फुल संभावना है। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कल कहा है कि उनका अब खेल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके पास अन्य जिम्मेदारियां बहुत सारा है, जिसमें से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव भी शामिल है। बृजभूषण ने भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा से मिलने के बाद यह टिप्पणी की है कि इससे पहले खेल मंत्रालय ने WFI को अगले निर्देश तक निलंबित कर दिया है। सर्दियों के साथ कोरोना ने एक बार फिर से मुश्किल खड़ी कर दी है। इस बीच सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। अमेरिकी नए वेरिएंट से लड़ने के लिए नई वैक्सीन चौथी डोज पर सरकार काम कर रही है। राम मंदिर में 22 जनवरी को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस खास मौके पर अलग अलग क्षेत्र की दिग्गज मौजूद रहेंगे। बॉलीवुड से भी कई बड़े स्टार को न्योता मिला है। TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ की मिक्री करने की वजह से विवादों में चल रहे हैं। अब उन्होंने दो तुक कह दिया है कि एक बार नहीं हजार बार मिक्री करेंगे, वहीं अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर करेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 का परिणाम प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए डरावना सपना की तरह है। छत्तीसगढ़ में पार्टी ने कभी भी नहीं सोचा था कि राज्य से उनकी सत्ता छीन ली जाएगी। प्रदेश में करारी हार के बाद अब कई तरह से बदलाव छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में नई भाजपा सरकार बनने के 12 दिन बाद आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। विस्तार को लेकर पिछले कई दिनों से मंथन और अटकलों का दौर चल रहा था। नए मंत्रियों को आज दोपहर 3 बजे के बाद शपथ दिलाई जाएगी। विपक्षी गठबंधन INDIA की एकता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णा ने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव की दुकान बंद हो चुकी है और विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा नहीं है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इस महीने यानी दिसंबर में छपड़फाड़ कमाई हो रही है। एनिमल के बाद सलार और ठंकी सिनेमा घर में जोरदार धमाल मचा रही है। प्रभास की फिल्म सलार बीते दिनों 22 दिसंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म के लिए साउथ से लेकर नॉर्थ तक जबरदस्त दीवानगी देखने को मिल रही है। पहले दिन यह फिल्म धमाकेदार शुरुआत करते हुए 90.7 करोड़ का कलेक्शन करने में सफल रही। वहीं दूसरे दिन यह फिल्म की रफ्तार धीमी हो गई और 56.35 करोड़ का ही कलेक्शन किया। इसी के साथ ही फिल्म का कुल कारोबार 208.5 करोड़ रुपए का हो गया है। शाहरुख खान की ठंकी ने भी लोगों के दिलों पर राज कर रही है। राजकुमार हीरानंदिनी के निर्देश में बनी यह फिल्म हंसने के साथ लोगों को इमोशनल भी कर रही है। ओपनिंग डे पर यह फिल्म 29.2 करोड़ का कलेक्शन करने में सफल थी, तो वहीं दूसरे दिन फिल्म की कमाई गिरावट के साथ देखने को मिली। शुक्रवार को फिल्म ने 20.12 करोड़ का बिजनेस किया। हालांकि तीसरे दिन फिल्म ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली और 25.61 करोड़ का शानदार बिजनेस किया। वहीं रविवार को फिल्म ने एक बार फिर उछाल लेते हुए 31.5 करोड़ का कलेक्शन किया। इसी के साथ ही फिल्म का कुल कारोबार 106.43 करोड़ का हो गया। एनिमल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद रणबीर कपूर की एनिमल की रफ्तार अब धीमी हो चुकी है। हालांकि सीमित स्क्रीन मिलने के बाद भी यह फिल्म अब तक अच्छा बिजनेस कर पाई है। 24 दिन में एनिमल फिल्म ने 535.99 करोड़ का बिजनेस किया है। मोदी सरकार की विश्वकर्मा योजना UP में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का बड़ा हथियार बनेगी। हर विधानसभा चुनाव में 1000 लोगों को विश्वकर्मा योजना से जोड़ी जाएगी। हर बूथ पर 5 लोगों को जोड़ने का यह काम करेगा BJP का कार्यकर्ता। सुनील बंसल ने BJP नेताओं को दिया निर्देश। क्रिसमस पर इजराइल की बड़ी एयर स्ट्राइक, गाजा में दागे गए बम बारूद, बच्चे समेत मारे गए 70 लोग। कांग्रेस ने 19 दिसंबर को पार्टी के 138वें संस्थापक दिवस पर क्राउड फंडिंग के लिए डोनेट फॉर देश कैंपेन की शुरुआत की थी। कैंपेन के मकसद को लेकर पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को आर्थिक मजबूती देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ऐसे में पार्टी के फंड को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। क्या कांग्रेस के पास वाकई में इतने कम पैसे हैं या कॉरपोरेट फंडिंग नहीं मिल रही है, इसलिए उसे क्राउड फंडिंग कैंपेन चलाने की जरूरत पड़ गई है। राजनीतिक दलों की कमाई के आंकड़े के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी BJP की कमाई बढ़ी है, जबकि कांग्रेस के कमाई में 29% की कमी आई है। साल 2014 से कांग्रेस की कमाई 2022 में घटकर 541 करोड़ रुपए हो गई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। 37 साल से भगोड़ा चल रहा यूपी का डकैत दिल्ली के मुस्तफाबाद में फॉर्चून की दुकान चलाते हुए मिला। नगीना देहात पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। 7 साल की सजा होने पर वर्ष 1986 में फरार हो गया था। हाईकोर्ट में स्थान वारंट के बाद पुलिस 37 साल से उसे खोज में लगी थी, जो कि कल जाकर मिला है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
मक्का के इमाम अब्दुल रहमान अल सुदेश अयोध्या में बनने वाली मस्जिद की धराशिला रखेंगे। मक्का के इमाम सऊदी के सबसे बड़े मुस्लिम विद्वानों में शामिल है। इस मस्जिद को अयोध्या मंदिर से 20 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव में बनाया जा रहा है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस मस्जिद में दुनिया की सबसे बड़ी कुरान होगी जो 21 फीट ऊंची और 36 फीट चौड़ी होगी। हमास के लड़कों ने बच्चों को जलाया, महिलाओं को किया बलात्कार, जंग के बीच नेतन्याहू की पत्नी ने पोप फ्रांसिस को लिखा खत।